जय हिंद साथियों, आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप इतनी भारी मात्रा में आए। सीवा एसएस छात्र युवा संघर्ष समिति, जो आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई है, इस बार पहली बार डूसू इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही है। हमारे साथ चारों हमारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं। कुलदीप भिदुड़ी हैं पीजीडीएवी कॉलेज सेकंड ईयर से, जो प्रेसिडेंट पोस्ट पे कंटेस्ट कर रहे हैं। गरिमा राणा है हिंदू कॉलेज से, जो वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे कंटेस्ट कर रही हैं। राहुल राज आर्यन हिंदू कॉलेज से, ये जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पे कंटेस्ट कर रहे हैं। और हितांशी चौहान सत्यवती मॉर्निंग कॉलेज से, ये जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे कंटेस्ट कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनुपम भाई, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और अनुज भाटी, जनरल सेक्रेटरी। हम आज चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं वो पेश कर रहे हैं आपके सामने। ये जो डिमांड्स हैं, ये राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन से कुछ मांगे हैं छात्र हित के लिए, जो अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो हम ये मांगे अपनी रखेंगे। हमारी मांगे कुछ इस तरह से हैं। तीन प्रमुख मुद्दे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हायर एजुकेशन स्किल एजुकेशन गारंटी स्कीम, जिसमें हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि 10 लाख तक का एजुकेशन लोन बच्चों को मुहैया कराया जाए, छात्रों को मुहैया कराया जाए, जिसकी गारंटर जो है दिल्ली सरकार होगी। इसमें ट्यूशन फीस इंक्लूड होगी, उनके बुक्स इक्विपमेंट सभी चार्जेस इंक्लूड होंगे। वाईफाई की हमने डिमांड करी है, जो संभावना है कि अक्टूबर तक जो है सभी कॉलेजेस में जो है शुरू हो जाएगा। बहुत से कॉलेजेस में अभी चल रहा है लेकिन जो है काम नहीं कर रहा सही से। 11 डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली में जिनमें जॉब फेयर्स लगवाए जाएंगे। बिजनेस इंक्यूबेटर्स की स्थापना करी जाएगी, जिससे कुछ मूलभूत सुविधाएं जो हैं छात्रों को मुहैया कराई जा सकें, जिनके चलते जो हैं वो एक सेटअप तैयार कर पाएंगे अपने उज्जवल भविष्य के लिए। कैंटीन की बहुत कमी रही है दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। आम आदमी कैंटीन्स खोले जाएंगे। CBCS एक मुद्दा बनाया जा रहा है इस चुनाव में, हालांकि हम छात्रों के बीच में गए तो हमें कुछ ऐसा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन हम फिर भी मांग करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट कराया जाए और जो एडॉक बेसिस पे फैकल्टीज़ हैं यूनिवर्सिटी में उन्हें परमानेंट करा जाए। करिकुलम को लेके बच्चों में समझ नहीं है, अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराएंगे छात्रों के लिए, जिसमें बताया जाएगा कि CBCS असल में है क्या। DTC बस पास जो है वो अप्रैल तक ही लागू रहता है। हमारी मांग है कि पूरे साल जो है DTC बस पास वैलिड होना चाहिए। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो वैकेशंस में घर नहीं जाते हैं, यहीं पे ही रहते हैं हॉस्टल्स में, उनके लिए सुविधा मुहैया कराई जाए। मेट्रो कार्ड में कंसेशन दिया जाएगा, 50% तक का कंसेशन जो है हम दिल्ली सरकार से मांग करते हैं छात्रहित में करा जाए। यू स्पेशल बसेस पिछले कई साल से मुद्दा बनाया जा रहा है, इस पे हमने दिल्ली सरकार से मांग करी थी आज से एक महीना पहले कि साउथ कैंपस में जो है यू स्पेशल बसेस की ज़रूरत है, आउटर कैंपस में जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो बेहतर नहीं है। सिचुएशन ये थी कि बहुत से कॉलेजेस साउथ कैंपस के जो हैं दिल्ली सरकार के पास गए, CYSS की यूनिट उनके साथ गई। दिल्ली सरकार ने जायज़ा लेकर एक की बजाय दो बसें हमें मुहैया कराई हैं, जो पिछले हफ्ते चलाई गई हैं। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन तक एक बस परसों ही चलाई गई है। मॉडल टेनेंसी एक्ट जुलाई में पास किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। हमारी मांग है कि एक DU स्टूडेंट्स क्लॉज उसमें ऐड करा जाए, जिससे कि
जो छात्र बाहर राज्य से पढ़ने आते हैं और जो हॉस्टल लेके रहते हैं दिल्ली में, उन्हें सिक्योरिटी रहे कि हाँ उन्हें घर खाली नहीं कराया जाएगा, एविक्शन नहीं होगा, दिल्ली स्टूडेंट्स पीजी एक्ट लागू कराने की मांग हम करेंगे दिल्ली सरकार से। 6 महीने पहले दिल्ली सरकार ने बिजली के दाम आधे कर दिए थे, पानी माफ़ कर दिया था, लेकिन जो रेंट पे रहते हैं उन्हें इन सब चीज़ों का लाभ नहीं मिल रहा है। तो हमारी मांग है, जो स्टूडेंट्स दूर से आए हैं, जिनसे सरकार ने वादे किए और जो सरकार पूरा कर चुकी है, वो उन्हें सही में हासिल हो। हॉस्टल्स बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पिछले कुछ सालों में। 1.5 लाख छात्र जो हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस हॉस्टल्स अगर हम मिलाएं तो 4,978 रूम्स अवेलेबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हमारी मांग है दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से कि हॉस्टल की सुविधा मुहैया कराई जाए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए केवल नॉर्थ कैंपस में 400 रूम्स अवेलेबल हैं, ना ही कालकाजी, ना ही ईस्ट कैंपस, ना ही साउथ, कहीं पे भी जो है उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें। हमारी मांग है उनके लिए बेहतर व्यवस्था करी जाए। जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स जो हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जो फ्रेशर हैं उनके लिए हम करवाएंगे। एंटी स्ट्रीट हैरेसमेंट सेल्स जो कॉलेजेस में हालांकि नाम मात्र के लिए हैं, लेकिन जो है वो सेल्स एक्टिवली काम नहीं करते हैं। हमारी मांग रहेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन से कि इन्हें और बेहतर इनकी व्यवस्था करी जाए। विशाखा गाइडलाइंस की बात होती आई है बहुत पहले से, लेकिन रिसेंटली स्टीफन्स का केस हुआ था, उसमें जो छात्रा थी वो हमारे पास आई थी, हमारे से मांग करी थी कि हम उसकी मदद करें। जब हम प्रशासन के पास गए तो हमें पता चला कि जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो बनी ही नहीं हुई। तो हमारी मांग है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, जहां सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुका है कि विशाखा गाइडलाइंस का पालन करा जाए, उस पर कार्रवाई करी जाए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो है प्रशासन को कहें कि इस गाइडलाइंस को जल्द से जल्द लागू करा जाए और जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी है उसका दोबारा से बेहतर तरीके से गठन करा जाए। CCTV की मांग कर रहे हैं हम सभी यू स्पेशल बसेस में यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए। विमेन सेफ्टी के लिए सुरक्षा बटन की मांग है। इस पे राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई चल रही है और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। आर्म्ड फोर्स कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 2800 सीट्स अवेलेबल हैं नॉर्थ कैंपस में। इस बार 2572 सीट्स वैकेंट रही हैं, हर साल ऐसा होता आया है। सिर्फ नॉर्थ कैंपस में इतनी सीट्स खाली हैं, और अगर AFC कैटेगरी के स्टूडेंट्स एक बार किसी कोर्स में अप्लाई कर दें तो दूसरी कट ऑफ में वो कोई और कोर्स ऑप्ट नहीं कर सकते, वो बाउंड हो जाते हैं उसी कोर्स में रहने के लिए। तो हमारी मांग है कि जैसे इस बार कश्मीरी माइग्रेंट्स को दूसरा मौका दिया गया है, उसी तरह से AFC कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए एक और मौका दिया जाए। डिसेबल्ड स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए व्यवस्था नहीं है। हम मांग करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन से डिसेबिलिटी रैम्प्स की व्यवस्था करी जाए, साउंड इंडिकेटर्स की व्यवस्था करी जाए जो भी फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। केंद्र सरकार के पास हम गए थे, नए कॉलेजेस खोले जाएं दिल्ली में, उनकी तरफ से आश्वासन आया है कि 20 नए कॉलेजेस जो हैं जल्दी ही खोले जाएंगे। उन्होंने रोल आउट प्लान मांगा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जैसे ही उन्हें मिलता है वो हमें आगे की डेवलपमेंट्स के बारे में इत्तला करेंगे। ईस्ट और वेस्ट कैंपस की मांग पिछले 20 साल से रही है। मैंने 20 साल पहले का मैनिफेस्टो उठाया, उसमें भी ईस्ट और वेस्ट कैंपस की मांग करी गई थी, लेकिन इस पर कभी कार्रवाई नहीं करी गई।
हमारी मांग है कि इसे सख्ती से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी सहमति बनाए और जल्द से जल्द जो भी ईस्ट और वेस्ट कैंपस में छात्र पढ़ रहे हैं उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाए जिस तरह की नॉर्थ और साउथ में अवेलेबल है। एजुकेशन बजट में दिल्ली सरकार का बहुत योगदान रहा है, उन्होंने एजुकेशन बजट जो है वो दुगना कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बार 15 से 16% उसे घटा दिया है। हालांकि वादे करे जा रहे थे कि खासा ध्यान दिया जाएगा छात्रों की पढ़ाई के ऊपर, तो ये हमारी मांग रहेगी कि इसमें अगली बार जो भी इनका बजट आए उसमें सुधार करा जाए और जो भी समस्या छात्रों को जो है पढ़ाई से संबंधी होती है उस पर ध्यान दिया जाए ताकि एक बेहतर भविष्य इनका बन सके। आम आदमी क्लिनिक्स की व्यवस्था करी जाएगी, एक हेल्थ सेंटर नॉर्थ कैंपस में है जिसके लिए प्रावधान है कि सभी कॉलेजेस के नोटिस बोर्ड पे उसका नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करा जाता किसी भी कॉलेज में। अगर कभी इमरजेंसी में वहाँ जाना पड़ जाए तो फर्स्ट एड दे के वो रेफ़र कर देते हैं किसी और हॉस्पिटल में। तो ये सोचने वाली बात है कि 150,000 छात्र जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे एक हेल्थ सेंटर है, उसमें भी फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं है कि इमरजेंसी के टाइम किसी स्टूडेंट को ट्रीट करा जाए। रिजर्वेशन सेंटर्स जो हैं सिर्फ नॉर्थ कैंपस में हैं, रेलवे रिजर्वेशन, हमारी मांग है सभी कैंपस में जो है रिजर्वेशन सेंटर की सुविधा मुहैया कराई जाए। सैनिटेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, टॉयलेट्स की व्यवस्था जो है वो सही नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। कंप्यूटर्स सभी कॉलेजेस में हैं लेकिन काम नहीं करते, बहुत कम मात्रा में कंप्यूटर्स की व्यवस्था करी गई है। एक बैच के लिए मात्र 10 से 12 कंप्यूटर अवेलेबल हैं, ये मान लीजिए 400 छात्रों के लिए केवल 10 से 12 कंप्यूटर अवेलेबल हैं। हमारी मांग है कि व्यवस्था में सुधार करा जाए और इनकी मात्रा बढ़ाई जाए। टैगोर हॉल और शंकर हॉल केवल 2 ऐसे ऑडिटोरियम हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जिनमें बड़ा कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा जा सकता है, लेकिन उनकी व्यवस्था जो है बहुत ही बदतर है। हमारी मांग है कि इसे और बेहतर करा जाए। लाइब्रेरीज़ जो हैं, एकेडमिक सेशन जब ख़त्म हो जाता है तो लाइब्रेरीज़ बंद कर दी जाती हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जो सिविल की तैयारी करते हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो अन्य कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए लाइब्रेरी जो है पूरे साल खुलनी चाहिए। JNU, IIT और जो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें लाइब्रेरी 24/7 ओपन रहती है, दिल्ली विश्वविद्यालय में रात 10 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है। हमारी मांग है कि 24 घंटे लाइब्रेरी खुलनी चाहिए। PhD के स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पूरा दिन अपना जो है वहाँ पे बिताते हैं, उनके लिए सुविधा होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी स्टेडियम बनाया दिया गया है लेकिन सिर्फ हॉस्टलर्स के लिए वो खोला जाता है, डे स्कॉलर्स की एंट्री जो है वहाँ पे प्रोहिबिटेड है। ये किस तर्ज पर करा गया है ये समझ में नहीं आ रहा हमें। हमारी मांग रहेगी कि सबके लिए जो है ये फैसिलिटीज़ खोली जाएं। दिल्ली सरकार खासा ध्यान दे रही है, 25% कोर्स जो है उसमें कमी कर दी गई है, लेकिन अगर ये सुविधा मुहैया नहीं कराई जाएंगी तो उसका जो है हमें फ़ायदा नहीं होगा। ग्रीवेंस सेल सभी कॉलेजेस में बना दिए जाते हैं, चुनाव के तुरंत बाद कमेटी का गठन कर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई समस्या उनके पास लेके जाएं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन से हमारी मांग है कि सभी कॉलेजेस में जो है इसे दुरुस्त करा जाए, ग्रीवेंस कमेटी का दोबारा गठन करा जाए। एडहॉक बेसिस पे बहुत ही फैकल्टीज़ जो हैं कैंपस में रिक्रूट करी जा रही हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो डिग्रेड हो रहा है, हर 2 महीने में फैकल्टी बदल दी जाती है। हमारी मांग है
कि परमानेंट फैकल्टी जो है 4000 पोस्ट वैकेंट है, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। डूसू इलेक्शंस में आने के लिए बहुत कॉलेजेस ने मांग करी है जो नॉन डूसू हैं। जो कॉलेज इच्छुक हैं डूसू इलेक्शंस में भागीदारी करने के लिए, उनसे चर्चा करी जाए, उन्होंने डूसू इलेक्शंस का हिस्सा बनाया जाए। ड्रग फ्री कैंपस की मांग करता है CYSS। हालांकि बहुत समय से बात चल रही है, लेकिन कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ये सब हम जानते हैं। गवर्निंग बॉडीज में स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी जाए, यूनियन के अकाउंट का ऑडिट करा जाए। और बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं छात्रों को, जो सीधा कॉलेज के जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचाई जा सके। ये CYSS की मांग इस DUSU इलेक्शंस में है। ये जो डिमांड्स हैं ये राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन से कुछ मांगे हैं छात्र हित के लिए, जो अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो हम ये मांगे अपनी रखेंगे। हमारी मांगे कुछ इस तरह से हैं। तीन प्रमुख मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई है इस बार पहली बार DUSU इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही है। हमारे साथ चारों हमारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं। कुलदीप भिदुड़ी हैं PGDAV कॉलेज सेकेंड ईयर से, जो प्रेसिडेंट पोस्ट पे कंटेस्ट कर रहे हैं। गरिमा राणा है हिंदू कॉलेज से, जो वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे कंटेस्ट कर रही हैं। राहुल राज आर्यन हिंदू कॉलेज से, ये जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पे कंटेस्ट कर रहे हैं। और हितांशी चौहान सत्यवती मॉर्निंग कॉलेज से, ये जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे कंटेस्ट कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनुपम भाई, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और अनुज भाटी, जनरल सेक्रेटरी। हम आज चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं वो पेश कर रहे हैं आपके सामने। APJ अब्दुल कलाम हायर एजुकेशन स्किल एजुकेशन गारंटी स्कीम, जिसमें हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि 10 लाख तक का एजुकेशन लोन बच्चों को मुहैया कराया जाए, छात्रों को मुहैया कराया जाए, जिसकी गारंटर जो है दिल्ली सरकार होगी। इसमें साथियों आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप इतनी भारी मात्रा में आए। CYSS छात्र युवा संघर्ष समिति